प्रदेश में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत प्रति यूनिट 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि कार्ड धारकों को जून जुलाई अगस्त तक 2 चरण में निःशुल्क राशन दिया जाएगा। उसके बाद भी नवम्बर तक प्रथम फेज में रेगुलर राशन और सेकेंड फेज में निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि मई महीने में जिले के 8,10,000 कार्ड धारकों को 35,35,000 किलो राशन का निःशुल्क वितरण किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा, सर जो 3 दिन से अभी राशन वितरण हुआ है वो तो मिला उपभोक्ताओं को फ्री, 20 तारीख से फिर वितरण होगा, उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, हम आपको बताएं कि पहले चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि मई और जून 2 महीने निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। उसके तहत मई में भी वितरण हुआ, निःशुल्क था, और जून में भी इस समय निःशुल्क 15 तक वितरण हो रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सटेंड करके नवंबर तक कर दिया है, यानी कि अब नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा, जिसमें 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अंत्योदय को भी यूनिट ही इकाई माना गया है। अगर यानी कि अंत्योदय में रेगुलर में क्या होता है कि 35 किलो उनको खाद्यान्न मिलता है, चाहे 1 यूनिट रहे या 7 यूनिट रहे, लेकिन इसमें गरीब कल्याण अन्न योजना में उनको भी यूनिट के हिसाब से अगर 2 लोग हैं तो 10 किलो, अगर 3 लोग हैं तो 15 किलो, 1 लोग हैं तो 5 किलो, 7 लोग, मतलब इस कंडीशन पे मिलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 3 महीने के लिए जून जुलाई अगस्त जो हमारा रेगुलर वितरण होता है उसको भी निःशुल्क कर दिए हैं। अब सेकंड स्टेज में हम लोग 20 तारीख से जो वितरण करेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अकॉर्डिंग वो भी निःशुल्क रहेगा जून जुलाई अगस्त, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक निःशुल्क है, यानी कि अगस्त तक दोनों हमारा निःशुल्क रहेगा। फिर सितंबर अक्टूबर से जो है सितंबर से जो रेगुलर हमारा NFSA का वितरण होता है वो 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से रहेगा, और अभी की योजना के अनुसार अगर आगे भी एक्सटेंड कर देते हैं तो अलग बात है, नहीं तो फिर भी अभी तक जो है कि अगस्त तक दोनों निःशुल्क रहेगा। फिर सितंबर अक्टूबर सितंबर से लेके जो NFSA रेगुलर है वो 2 रुपये 3 रुपये रहेगा, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक निःशुल्क रहेगा। कितने कार्ड धारक लाभान्वित? 8,10,000 हमारे यहाँ राशन कार्ड हैं, और 3,35,000 यूनिट है, सॉरी 33,35,000 यूनिट है। कितने लोगों को लाभ मिल रहा है जी? अभी पिछला जो वितरण हुआ उसमें कितना हुआ? कंप्लीट 100% की नहीं, हमारे यहाँ जैसे वितरण का इस समय रेशियो 92% से लेके 96% के बीच, किसी मंथ 93% हो जाता है, किसी में मंथ 95% हो जाता है, किसी मंथ 94%, तो एक एवरेज यही है। इसमें 99% बायोमेट्रिक आधार से है, 1% ऐसे लोगों के जिनका अंगूठा मैच नहीं किया या जो कुछ प्रॉब्लम है तो उनके मोबाइल पे OTP आता है, अगर उनका बायोमेट्रिक सफल नहीं हुआ तो उनके मोबाइल पे OTP आता है, 1-time password, उसके माध्यम से फिर हम मशीन में इंटर करके फिर उनको हम खाद्यान्न देते हैं, ताकि कोई भी लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। कुछ प्रवासियों को भी राशन देने की योजना थी? अब इसमें मैंने एक अभियान ये भी चलाया है कि अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बने, बाई चांस अगर वो छूट गया है, तो उसका हम प्राथमिकता के तौर पर राशन कार्ड भी बना रहे हैं, तो जैसे राशन कार्ड उनका बन रहा है वो इंटाइटलमेंट हो जाते हैं और उनको हम राशन देने के लिए। एक संदर्भ में हम आपको और बताना चाहते हैं कि लास्ट जो कोरोना फर्स्ट स्टेज था मार्च के बाद से, तो हम लोगों ने पिछले साल 45,000 राशन कार्ड नए बनाए थे परमानेंट, जिसमें 1,80,000 यूनिट थी, और फिर इसका 16,000 हम लोग टेम्प्रोरी राशन कार्ड बनाए थे। तो जो टेम्प्रोरी थे अगर यहाँ के हैं तो हम उनको कन्वर्ट कर लिए हैं परमानेंट, मतलब कि परमानेंट कार्ड में उनको कन्वर्ट कर लिए हैं, तो उनको परमानेंट बना दिया गया, बना दिए गए हैं और उनको मिल रहा है। अगर कोई 1-2 आते हैं तो उनको भी हम प्राथमिकता पे राशन कार्ड उनको जारी कर रहे हैं।